पहले बॉलिंग से भरी हुंकार, बाद में आया बल्ले से शहबाज अहमद का तूफान, इसलिए तो भैया कहा जाता है ये रनबाज शहबाज। तो हेलो दोस्तों, शहबाज अहमद ने कमाल कर दिया है, एक और रिकॉर्ड बना दिया है। लेकिन आज बल्ले से भी तूफान आया शहबाज अहमद का, लेकिन बॉलिंग से भी आया था शहबाज अहमद ने भरी थी हुंकार। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेवात क्रिकेट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको शहबाज अहमद की वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। आप देख रहे हैं मेवात क्रिकेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपके लिए मैं बता दूं, सेमीफाइनल चल रहा है रणजी ट्रॉफी का, जिसमें शहबाज अहमद की टीम सेमीफाइनल खेल रही है। पहले बल्लेबाजी करते हुए मध्य प्रदेश ने 341 रनों का लक्ष्य दिया, जिसमें शहबाज अहमद ने 20 ओवर डाले, 3 मेड इन 86 रन देकर 3 विकेट शहबाज अहमद ने निकाले हैं। इस मैच में भी मैन ऑफ द मैच बनेंगे शहबाज अहमद। अगर बल्लेबाजी की बात करें तो बंगाल की टीम ने 11 रनों पर अपने 3 विकेट गिरा दिए थे, यानी 2 विकेट बंगाल के गिर गए थे, बंगाल टीम का खाता नहीं खुला था। 11 रनों पर 3 विकेट हो गए थे, 44 रनों पर 4 और 56 पे हो गए थे 5 विकेट बंगाल टीम के। लेकिन उसके बाद में फिर मेवाती क्रिकेटर का आया था तूफान। अब जो है शहबाज अहमद आज के दिन नाबाद लौटे हैं, 197 रन बना चुके हैं बंगाल टीम के बल्लेबाज, वही मनोज तिवारी 84 पे और शहबाज अहमद 72 रनों पर नाबाद लौट चुके हैं। जब कल खेलने के लिए आएंगे शहबाज अहमद, क्या वो अपने शतक की तरफ देखेंगे, क्या शहबाज अहमद अपना पहला शतक लगाएंगे रणजी ट्रॉफी में, यह आप कमेंट कर जरूर अपनी राय दीजिए। अगर आप शहबाज अहमद के फैन हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए, क्या शहबाज अहमद अपना पहला रणजी ट्रॉफी का शतक पूरा कर पाएंगे, क्या शहबाज अहमद दोहरे शतक के लिए भी जाएंगे। जी हां बिल्कुल, शहबाज अहमद अपने शतक से थोड़े ही दूर है। लेकिन दोस्तों अगर आप भी लाइव वीडियो देखना चाहते हैं शहबाज अहमद से जुड़ी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। दोस्तों शहबाज अहमद 72 और मनोज तिवारी 84 पर नाबाद है, 197 रन बना लिए हैं बंगाल टीम ने पहली पारी में दूसरी।